हेलो फ्रेंड्स, जीवन अनमोल होता है, पर कुछ लोग अपने इस कीमती जिंदगी को नशा करके बर्बाद कर रहे हैं। लोग नशा करना तो अपनी मर्जी से शुरू करते हैं, पर अपनी मर्जी से इस लत को छोड़ नहीं पाते और समय से पहले ही मौत की तरफ चले जाते हैं। नशा करने से ना सिर्फ खुद का नुकसान होता है, बल्कि इससे घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और समाज को भी नुकसान होता है। ना जाने कितने ही रिश्ते और जिंदगी नशे की वजह से खराब हो जाते हैं। नशा करने वाले व्यक्ति अपने और अपने परिवार की इज्जत तो खोते ही हैं, साथ ही अपने शरीर और क्षमता को भी ख़त्म करते हैं। कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले आंकड़े एम्स दिल्ली ने अपनी एक स्टडी में पाया कि दिल्ली के सड़कों पर रहने वाले हर 3 में से एक बच्चा नशे का शिकार है। एक रिपोर्ट के अनुसार 10 से 15 साल के 37% स्कूली बच्चे अलग अलग नशे की लत के आदि हैं, जिनमें तंबाकू, अल्कोहल, भांग, फीम, कोकीन और गांजा तक शामिल है। शौक से शुरू किया गया ये नशा धीरे धीरे बच्चों को अपने चंगुल में ले लेता है और उनको बीमारी, बेरोजगारी और गुनाह के रास्ते पर ले जाता है। नशा ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी बीमार करता है। नशे से डिप्रेशन, एंजाइटी और भी कई तरह के मानसिक रोग होते हैं। इससे सांस और लंग्स की बीमारी और कैंसर जैसे गंभीर बीमारियां भी होती है। नशे से व्यक्ति के मस्तिष्क की संचार प्रणाली यानी नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाते हैं और न्यूरॉन्स हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो सकती है। इनमें पाए जाने वाले रसायनों से मानसिक संतुलन खोने का भी डर रहता है। अगर आप भी सिगरेट पीते हैं तो हम आपको बता दें, एक सिगरेट पीने से आपकी ज़िंदगी के 11 मिनट कम हो सकते हैं। ये सब बताकर हम आपको डराना नहीं चाहते, बल्कि हमारा मकसद आपको सावधान करना है। एक सर्वे के मुताबिक 69% लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। ये आंकड़ा अच्छा है, और इससे भी अच्छी बात यह है कि सिगरेट की लत आपको 72 घंटे तक ही चुनौती देती है। यानी अगर आप 3 दिन बिना सिगरेट के गुजार सकें तो आप सिगरेट छोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। नशे की लत कई कारणों से हो सकती है, जैसे बुरी संगति, पढ़ाई में पिछड़ जाना, प्यार में असफल हो जाना और भी कई कारण हो सकते हैं। नशा से मुक्ति पाने के लिए हमें प्रत्येक दिन नशा से दूर रहना चाहिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करना चाहिए। हमें अच्छा खानपान और एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। अगर नशे की लत बहुत ज़्यादा हो तो हमें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अंत में आपसे यही कहूँगा कि नशा करना एक ऐसी प्रकृति है जो हमारी कोशिशों से ही छूट सकती है। बस हमें नशा छोड़ने का संकल्प करना होगा और अपनी जीवन की अहमियत को समझना होगा, ताकि हम इस देश और अपने परिवार का उत्थान कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो किसी न किसी प्रकार की नशे के आदि हैं, ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।